अच्छा ये पूरे दिन में ये कितनी भर जाती है? ये 3 महीने की खेती है। अच्छा 3 महीने के बाद आप ये जो शायद होगा ये कंपनी को दे दो। हाँ ये तो कंपनी वाले आ जाएंगे, वो ले जाएंगे। और वो जो आपने बना रखा है जाली नुमा, अच्छा उसमें शहद सब आए हुए। आप कहाँ से भाई जी? जी मैं कश्मीर से। आप कश्मीर से जी। और ये मधुमक्खी पालन करने आए हो आप है? जी। और कितने जने आए हो? हम आए 4 जने। 4 जने जी। हर साल आते हो? हर साल आते हैं। तो इसका जो अगर अपने पूछे जाए तो इसका क्या सिस्टम होता है, कौन से महीने में आते हो, फिर कितने टाइम की ये मधुमक्खी पालन होता है? जी इधर होते हैं 3 महीने के लिए, जो सरसों होते हैं इधर। अच्छा ये सरसों के लिए लाते हैं हम इधर। अच्छा सरसों, फिर हम चाहे हिमाचल जाए चाहे यूपी जाए माल्टी के लिए। अच्छा फिर उधर से कश्मीर के लिए जाते हैं हम किकर के लिए। अच्छा कोई टाली पे बैठते हैं शीशम पे। अच्छा शीशम पे, टाली पे, टाली पे, टाली पे बैठ जाती। नहीं जैसे अब ये सरसों है, अब ये अब शायद बन जाएगा सरसों से ही बन जाएगा या अभी और टाइम लगेगा फिर? और ना हमारा जो सरसों है सरसों पे हमारा मक्खी भी बनते हैं और शहद भी बनते हैं। अच्छा हाँ इसमें तो बहुत बेनिफिट होते हैं हमारा। अच्छा क्योंकि जो मोदी का सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है हमारे तरफ, क्योंकि हमारा तो 1 लाख रुपए लगते हैं किराया। अच्छा जब हमारा शहद निकलते है तो जब मार्केट में जाते हैं हमारा शहद उसमें रेट नहीं आ रही है। अच्छा कोई बोलते हैं 130, कोई बोलते हैं 150, जब हम लास्ट में टोटल करते हैं हम तो किसान जो होते हैं सारा घाटे में आते हैं। अच्छा हाँ तो आपका अंकल कितना का माल हो जाता है और कितने का बिकता है? माल हमारा ठीक ठाक निकलते हैं। अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जो रेट है ना रेट ही नहीं मिल रही है हमारा, जब हम लास्ट में टोटल करते हैं हम तो घाटे में आते हैं सीधा, क्योंकि अच्छा। हमारे पास लोन है, लोन। अच्छा आप लोन लेते हैं? अच्छा। क्योंकि वो भी नहीं उतारते हैं हम, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो सस्ते में लेते हैं। मान लो किराया तो कम से कम 1 लाख रुपया हमारा आते है इधर। हाँ, आने जाने का खर्चा बहुत हो बहुत होते है। मान लो जब हम इधर शहद निकालते हैं लाख है, हमारा डेडी भी खत्म हो गया और जो बैंक का कर्जा होते है वो नहीं उतारते। नहीं एस्टिमेट अगर लगाएं कि टोटल आपका इतने का माल हुआ और इतने का ही बिकता है, ये आप बता सकते हो कितने का माल हो जाता है? मान लो हमारा अगर 300 बुक्स है ना, हाँ हमारा तो मान लो 4-5 लाख रुपए में तो शायद निकलते हैं। अच्छा ठीक है, जब रेट आ रही है सस्ता। अच्छा रेट पिछले साल तो 160 रुपए हमने शायद भेजा। अच्छा इस साल तो बोलते हैं 90 रुपए 100 रुपए किलो 60 रुपए नीचे आ गया। अच्छा मान लो 3 लाख में तो 1 लाख रुपया तो नीचे आ गए हम बिल्कुल, तो उसमें क्या बचेगा हमारा? और फिर आने जाने का किराया वो सारा उसमें जाते हैं। अच्छा हाँ। और ये जो प्रोडक्शन होती है जो ये आप हर जगह अलग अलग करते हैं, अलग अलग डीलरों को देते हैं। और ये अब जो अब कर रहे हो ये कितने महीने की? 3 महीने की खेती होगी? ये 3 महीने की खेती है। अच्छा 3 महीने के बाद आप ये जो शायद होगा ये कंपनी को दे दो। हाँ ये तो कंपनी वाले आ जाएंगे वो ले जाएंगे। अच्छा और फिर आप 3 महीने जो आगे खेती करोगे वो 3 महीने की आगे अलग होगी। और यहाँ का जो आप खेती करते हो और जम्मू में खेती करते हो जो मधुमक्खी की पालन करते हो, इसका फिर रेट का भी फर्क होता है? फर्क होते है। रेट का क्यों फर्क होता है इसका? मान लो वो जंगलों का होते है। अच्छा जंगलों ये खेतों का होते है? ये खेतों का जो खेतों का होते है थोड़ा सस्ता आ रही है। अच्छा। जो जंगलों का होते है क्योंकि इसमें खाद होते है। इसमें खाद होते हाँ उसमें तो कुछ नहीं होते, वो ज्यादा गुणवत्ता वाले होते है वो। ठीक है। और जो ऐसा यहाँ का माल है वो यहीं की कंपनियां लेती हैं या उधर की नहीं, पूरे नहीं, देश की कोई कंपनी ले? नहीं इधर का ही। अच्छा क्योंकि ये डीलर होते हैं आपस में। अच्छा अच्छा मान लो इधर का डीलर होते हैं फिर वो कंपनी को देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ इनको मान लो जैसे टेंडर होते हैं ना इनको भी टेंडर होते है डीलरों का। अच्छा टेंडर होता है जी? नहीं आप पहले बात करके कॉन्ट्रैक्ट बेस ऐसे नहीं होता अभी? नहीं हमारा टेंडर मत होगा, मान लो ये तो डीलर होते है जैसे रामदेव है डीलर, हम तो खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास लाइसेंस होते हैं। अच्छा अच्छा वो खरीद सकते हैं? वो खरीद सकते हैं। और अब 100 रुपए किलो लेकर वो बेचते हैं 300-400 रुपए में बेचते हैं। 400 रुपए किलो 400 में पतंजलि वाले? हाँ वो हमारे से लेते हैं, उनका कौन सा खेत है उधर पतंजलि वाले आपसे लेते हैं? उनके पास कोई मधुमक्खी डब्बा ही नहीं है। सही। तो ये पूरे साल में आप कितनी मतलब कितनी कितनी जगह डब्बे रखते हो? हम पूरे साल चलता है? पूरा साल चलते हैं हम 3 महीने 3 जगह पर रखते हैं। 9 महीने हो गए? हाँ 3 महीने हमारा घर में रेस्ट आते हैं। अच्छा 3 रेस्ट हाँ। तो एक तो हो गया चलो राजस्थान में, हर साल आते हो? हर साल आते हैं। अच्छा राजस्थान में हो गया हाँ, एक हो गया आपके जम्मू में एक हो गया कश्मीर में, एक कश्मीर में जी। जम्मू कश्मीर तो पास में ही रहेगा? नहीं वो 350 किलोमीटर फर्क है। 350 जी। अच्छा चलो फिर भी ज्यादा दूर, ये ज्यादा दूर पड़ जाता है? नहीं हमारा कोई दूर नहीं है, जब घर से निकल गए रोटी कमाने के लिए तो फिर तो कोई दूर नहीं है। ठीक है क्योंकि बच्चे तो पीछे, कमाना तो है, जरूरी है चाहे 100 किलोमीटर हो चाहे 10 किलोमीटर हो।
तो आप सारे एक ही फैमिली से? ना, अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग, क्योंकि हम जुड़ में होते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 300 डब्बे है, किसी के पास 400 डब्बे है, किसी के पास 200 डब्बे है, फिर हम मिला के एक ही जगह रखते हैं, फिर एक दूसरे का मदद कर रही है, क्योंकि हम लेबर लाएंगे, हमारे पास तो उतना पैसा बचते नहीं है, बचेगा नहीं। हाँ, इसलिए हम खुद ही करते हैं आपस में ही, तो ये लेबर का पैसा थोड़ा बहुत बचाते हैं हम, क्योंकि खर्चा बहुत है, महंगाई बहुत है, खर्चा बहुत है, महंगाई। और फिर रहना वहना सब यहीं पे? यहाँ टेंट में ही, टेंट में कर रखे, तंबू में ही। ठंड वंड तो नहीं लगती? नहीं, हमारे पास रजाई होती है, कम्बल होते हैं, हम सोते हैं आराम से। अच्छा अच्छा, वहाँ ठंड जम्मू में ज्यादा होती है? नहीं, जम्मू में होती है ठंड ज्यादा, होती है। हाँ, इधर तो ठंड है नहीं, इधर कम है। आज तो उधर कांगड़े लगाते हैं बंदा। अच्छा। हाँ, बुखारे में जरूरी बैठना है आज को, क्योंकि इतना ठंड है आज। और ये फिर आपके जो डब्बे होते हैं वो अलग अलग रखते हैं कि ये इसने ये शायद देने वाली है, जैसे हमने सुना भाई, जैसे नहीं, इसमें रानी होती है अलग अलग, बाकी हाँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रानी होती है? रानी होती है अलग, बाकी सारी शायद देने वाली, देने वाली है। रानी का काम है बच्चे पैदा करना, पज्जा पैदा करने का बस। ठीक है, वो तो अंदर बैठेगा, अगर वो बाहर निकल गया तो डब्बे खत्म। अच्छा। हाँ, अगर वो बाहर निकल गई तो डब्बा मान लो हो गई खत्म, शायद ही नहीं बनेगा। शायद नहीं बनेगा, उसमें तो मक्खी नहीं रहेगा, शायद कैसे बनेगा। अच्छा, रानी मक्खी होगी तो ही आएगी, रानी होगा तो तब डब्बा सेफ है। ठीक है, रानी नहीं होगा तो डब्बे सेफ नहीं है। उनसे कह रहे हैं यही बात, क्योंकि हमारा रेट कम है, क्योंकि हम पूरा घाटे में आ रहे हैं, हमने लोन निकाला, लोन तो हमारा उतारते नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी रेट आते हैं इधर वो सारा घाटे में ही जाते हैं, क्योंकि फिर बैंक वाले भी आते हैं, भाई आपने लोन लिया, दिया क्यों नहीं, क्योंकि तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फिक्स रेट होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए रेट। हाँ, अगर मान लो 120 से ऊपर होगा ना, हाँ, फिर हमारा घाटा नहीं होगा, घाटा नहीं होगा। यहाँ तो कंपनियां भी फिर कम में बेचे। हाँ, अगर अब खुद इतना फायदा निकाल रही है, क्योंकि पिछले साल तो 165 पे बेचा हमने शायद। अच्छा, था इस साल तो 110-120 बोल रही है, 40 रुपये नीचे आ गया। हाँ, तो महंगाई तो बढ़ी है, गैस हो गया 1200 रुपया, जो आने जाने का किराया वो बढ़ा, वो बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो किसान इनको तो किसान ही खत्म करना है, और क्या, किसान खत्म करनी है, सही बात है, क्योंकि हमारे साल 160 साल तो कम से कम 200 दे दो, 200 नहीं देगा अपना ही रेट दे दो। चलो, ये फसल वाले ये इकट्ठे होके ये तो अपना ये बात उठाते हैं कि हमारा, आप जैसे लोग नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे पास आते नहीं, कोई आते नहीं है, सही है, क्योंकि हम तो जंगलों में बैठते हैं, सही है, और हमको किसान जो लोग हैं उनको हम फायदा देते हैं, मगर हमारा तो ध्यान ही नहीं देते गवर्नमेंट। देख भाई, अगर पिछले साल 160 था, इस साल भी 160 होना चाहिए रेट, क्योंकि इस साल तो इसमें दलाल होते हैं, दलाल तो हमारा नुकसान कर रही है बहुत। अच्छा, इसमें भी दलाल? हाँ, इसमें भी दलाल होते हैं। अच्छा, सीधा जो कंपनी के मतलब सीधे बात नहीं होती, बात नहीं होते है, क्योंकि इसमें दलाल आते हैं, दलाल कमीशन खाते हैं, हमारा तो सत्यानाश कर रही है सारा। तो आपका कोई बंदा अगर सीधा कंपनी से ट्राई करे आज, क्योंकि हमको पता ही नहीं कंपनी कहाँ है, क्योंकि हम जंगलों में बैठते हैं, हमें पता ही नहीं है। वो ठीक है, आजकल फोन पे नंबर ढूंढे जा सकते हैं, नंबर तो हम ढूंढ सकते हैं, मगर उसमें एक चीज होती है, उसमें इनको जब टेंडर होते हैं ना, ये बड़े लोगों को देते हैं टेंडर, जैसे अंबानी है, जैसे और लोग है, गरीब लोगों को कौन टेंडर देगा, गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं होते। ठीक है, मान लो ये एक गाड़ी जाती है 20 लाख का, गरीब के पास कहाँ होगा 20 लाख, वो कहाँ से लाएगा पैसा। अच्छा, आप डीलर को सिर्फ ये नहीं है कि आपने माल दे दी, आप जैसे और भी कहीं होते? हाँ, हम झुंड होते हैं फिर। अच्छा, वो झुंड होगे, झुंड डीलर को पैसा देते हैं शायद देते हैं डीलर को। ठीक है, और डीलर भी कमाता है फिर आगे ना, अगर डीलर 1-2 रुपये कमाएगा उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको भी घर है, घर है, उसको भी परिवार है, मगर वो तो सीधा नीचे आते हैं 50 रुपये, क्योंकि वो भी हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। 2 रुपये से अगर मानो हमारे से 2 रुपये वो कमीशन लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि उसको भी परिवार चलाना है, बिल्कुल, क्योंकि उसको भी दूर दूर करना है, उसको भी तेल में गाड़ी जाती है, तो उसमें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे वो नीचे हमारा 50 रुपये नीचे गिराते हैं, वो हमारा दिक्कत है बहुत। चलो ठीक, और हमारा शायद जाते हैं इधर से ना, ये आगे मिलावट करते हैं कंपनी में, और हमारा सत्यानाश करते हैं हर काम का। अगर इधर से एक गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी उधर मिलावट लगाते हैं वो, तो फिर बोलते हैं यार जो ये किसान है मधुमक्खी वाले, यही ये खेल खराब कर रही है। और जो आपके जम्मू वाला शायद होता है जी, वो भी ये कंपनियां लेती हैं या वो दूसरा कंपनी आती है? वो दूसरी कंपनी। वो कौन सी बता सकते हैं आप नाम उनका? वो पंजाब का है, डाबर वाले हैं, डाबर वाले। ठीक है, और वो जो उधर का शायद होता है उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी जम्मू का?
जम्मू का? हाँ उसका जैसे अच्छा काट दिया। अच्छा उसका फिर रेट भी थोड़ा ठीक, थोड़ा आते हैं 10-20 रुपए फालतू आते हैं। 10 रुपए ठीक। ये आप ऐसे फिर क्या देखते हो भी कितना शहद बना है कितना नहीं, है ना? हाँ शहद ठीक आ गया बाहर से। अच्छा ये पूरे दिन में ये कितनी भर जाती है? पूरे दिन में 1 kg तक आती है। एक डब्बे में 1 kg तक हो जाता है? हाँ। पूरे दिन में? हाँ। जैसे मौसम ठीक रहेगा ना बाहर से, शहद भी ठीक आ रहा है। अच्छा। देखो आज काम ठीक आ रहा है बाहर से, आज मौसम ठीक रहा ना। हाँ आज काम भी ठीक रहा है। तो आपको कैसे पता लगता है ये जो अब इसमें ये नीचे नीचे डालती है फिर शहद? अच्छा शाम को ये ऊपर लाती है। देखो इसके नीचे शहद है, इसके नीचे ऐसे ये सारा बनता जाता है ना? ये पूरा सील किया है इसने। ठीक है। जो आज कल आए ना ऊपर ऊपर कर देगी आप तो शहद हो जाए। और वो जो आपने बना रखा है जाली नुमा उसमें शहद निकालते हैं? अच्छा उसमें शहद निकालते हैं, उसमें फिर बाहर से मक्खियां नहीं आती इसलिए लगा रखा है वो। ये मक्खियों की प्रजाति अलग होती है जो घरों में मक्खियां होती हैं? हाँ ये अलग है, इटली मक्खी है। कौन सी? इटली। इटली हाँ, ये दूसरा बीज होता है। अच्छा वो तो साल में 6 किलो लाती है शहद, वो जो घर तो पूरा बक्सा 6 किलो दिन में लाता है। अच्छा ये पूरा अगर बक्सा भर जाए तो कितने किलो का हो जाता है? हो जाता है कम से कम 20 किलो तक, इसमें 10 फ्रेम लगे हुए थे, हम नाव ही रखते हैं। अच्छा 20 किलो तक हो जाता है?